हेलो, उसमें कहीं नहीं लिखा है मेरे भाई। मुझे मैं कह रहा हूँ, जब मेरा दो मिनट है तो मुझे हवाला पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो? मैं पढ़ने अभी जब मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो तुम? मैं जब मेरा टाइम है दो मिनट का तो मुझे हवाला पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो तुम? ये बताओ, तुम्हारी इतनी हालत क्यों खराब हो रही है? मैं हालत नहीं खराब तो मुझे पढ़ने बना तो मुझे हवाले दिए हैं। अभी तो 25 हवाले तुम्हारे पास पहुँच रहे हैं, अभी तो 25 हवाले पहुँच रहे हैं। अभी तो पढ़ने तो दे, पढ़ने दे मुझे। तुम पढ़ने दो। देखो भाई, पढ़ने क्यों नहीं देगा ये? मुझे रिकॉर्ड करने दो ना, ये मुझे रिकॉर्ड तो करने दो। पढ़ना जानता हूँ भाई, मुझे पढ़ने दो। पढ़ लूंगा ना, मैंने हवाला तुम पढ़ दिया, मैं खुद पढ़ लूंगा। तो मैंने हवाला दिया तो मैं पढ़ूंगा भी तो सही, तो मैं खुद पढ़ लूंगा। तो खामोश हो जाओ, मैं दलील देता हूं। अरे भाई, तो खामोश करो, इसको खामोश करो। आपने जो बात, तुमने दो मिनट की बात की थी ना, दो मिनट तुम्हारे हो गए, मुझे बोलने दो। अरे दो दो मिनट बोलो ना, जो ज्यादा बड़बड़ाता है ना वो अपनी शिकस्त को मान लेता है, तुम्हारी शिकस्त हो गई है। तुम यार, जो ज्यादा बड़बड़ाता है सामने वाले को बोलने नहीं देता, उसकी शिकस्त हो जाती है। तो बोलने दो ना मुझको, मैं जब हवाला देता हूँ तो मुझे बोलने दो। देखो, इस हदीस में साफ लिखा हुआ है, इमाम तिर्मिजी इसका बाप कायम करते हैं, माजा फी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो दो मिनट के समय दो, ठीक है। और इसके अंदर हुजूर की तमाम मिलादुन मिलादों की हदीसों को लेकर के आते हैं। चुप हो जाओ, बोलने दो। मैं मुनकिर नहीं हूँ, बोलने दो। तो अब चलो, तुम मुनकिर नहीं हो तो चलो मुझे अब ढोल की तकदोल की दलील दे दो। अब ढोल की दलील दो, तुम मुनकिर नहीं हो ना, अब ढोल की दलील दो। कॉल की दलील कट गया, लगाओ 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 लगाओ, भागेगा ये, उसको पकड़ो। अब ये मुनकिर नहीं है ना, इसने बोल दिया मैं मुनकिर नहीं हूँ मिलाद का, तो अब ढोल की दलील मांगो इससे। ठीक है, चलो फुल फायर। मैं कह रहा हूँ, तुमने कहा कि तुम मिलाद के मुनकिर नहीं हो, ढोल की दलील दो। हाँ जी बिल्कुल, ढोल की दलील दो। तुम ताजिया ना जा सकने की दलील दो। मैंने तुमको दोनों उसूल बता दिए भाई, मैंने दोनों उसूल बता दिए ना, ताजिया के दोनों उसूल बता दिए ना। नहीं नहीं तुम, अरे मेरे भाई, ढोल की दलील दो। तुमने ढोल बजाने को जायज बोला है, अजमे जवाज में कहाँ लिखा है ढोल बजाना जायज है? दलील दो। मैं भी ढोल की दलील दे रहा था, अभी ढोल की दलील दो, मुझे इसकी दलील दो। ताजिया दारी की मैंने दो किस्में बयान कर दी। हेलो भाईजान, मैंने ताजिया दारी की दो किस्में बयान कर दी ना इसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब इसको ढोल की दलील मांगो। कौन सी दो किस्में? अरे ढोल की दलील दो ना। इसमें है गैर मुरव्वजात ताजिया, जिसके पीछे औरतें बेपर्दा घूमती हैं, बच्चे घूमते हैं, ढोल ताशे बजते हुए जाता है, गलियों में घुमाया जाता है, वो मुरव्वजात ताजिया हराम है। और वो ताजिया जायज है जो इमाम अली करमुल्लाह वजूल करीम का रोजा मुबारक, इमाम हुसैन का रोजा मुबारक बना के अपने घर में रखा जाए, उसकी जियारत की जाए, उससे ईमान ताजा होता है, वो जायज है। और मुरव्वजात हराम है। जिस तरीके से निकाह, सुन लो, जिस तरीके से निकाह सादगी से किया जाए वो जायज है। उस निकाह के अंदर अगर ढोल ताशा हराम, ढोल ताशा बाजा गाजा बज के आता है तो वो निकाह हराम है। वैसा निकाह कराना भी हराम है और उस निकाह में शामिल होना भी हराम है। ठीक है। चलो आप ढोल की दलील दो मुझे, ढोल की दलील दो, ढोल की दलील दो। पहले मेरी बात सुन लो, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसकी दलील दो। तुमने ढोल बजाने को जायज लिखा है, जायज बोला है, ढोल की दलील दो। फोन पे तुम्हें दलील दे दी थी लता, ढोल की? नहीं नहीं, उस किताब को नहीं मानता मैं, उस किताब को नहीं मानता मैं। मोतबर किताब, क्योंकि वो मीम रावजियों ने बदल दिया उसको, मीम रावजियों ने उसमें चोर बदल कर दिया है। मीम रावजियों ने बहुत सी किताबों के अंदर, जायज किताबों के अंदर फेल बदल कर दिया, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, सुन में जाए, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह इसमें फेल बदल कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह इसमें फेल बदल कर दिया, सारी किताबों में फेल बदल तुम लोगों ने कर दी है। चलो ढोल की दलील, ढोल की दलील दे रावजी, अहले बैत की शहादत में ढोल बजाने वाले मीम रावजी, दलील दे। अच्छा सुन ना मेरी बात, नहीं तुम लोगों ने अहले बैत को जितना बदनाम किया है ना, जितना तुम लोगों ने शरीयत को बदनाम किया है, उसना किसी गैर मुस्लिम ने भी बदनाम नहीं किया। चल चल चल, निकलवा दूंगा तू, बस तू। मैं बोल रहा हूँ ढोल बजाने की दलील दे, तूने जैसे मुझसे दलील मांगा, जैसे तुमने मुझसे दलील मांगा मैंने दलील दिया, दलील दे। कोई दलील नहीं थी, सब झूठी दलील भेज दी हो मेरे पास। अबे झूठों पर अल्लाह की लाना, चल एक फैसला कर ले, अगर ये हदीस सारी दलीलें झूठी होंगी तो मैं जहन्नम के निचले तबके में डलूं, और ये हदीस ये दलीलें सही होंगी तो तू जहन्नम के निचले तबके में डले। आमीन बोल, आमीन बोल पहले। हेलो, पर्सनली नहीं, दलील दे, बीच में भाई है, दलील दे, बीच में भाई है, दलील दे, ढोल बजाने की दलील, ढोल बजाने की दलील दे। स्टेशन पर रोक करके और इनको ढोल बजाने की दलील दे रहा था, इनको स्टेशन पे रोक करके मनाती हो, सुनो,
जिस तरह तुम मैं पूछ रहा हूँ ढोल बजाने की दलील दे जी, कॉल कट कर दिया। लगाओ इसको मीम राम सिंह को, ये भागेगा ऐसी, इसको भागना नहीं पकड़ना है इसको। ऐसे ऐसे कमीनों ने हरामियों ने तो पूरा मजाक बना के रखा हुआ है, ढोल ताशा बजा करके, और ये कहते हैं शरीयत है। हेलो कॉल कट कर दिया ना, लगाओ लगाओ लगाओ। हेलो हेलो, फोन कट, फोन कट कर दे रहा है, रुको रुको लाइन पे रहना, ठीक है। ओके ओके, हेलो। चलो मैंने पर्सनली कॉल कर लिया तुमको, सुनो मेरी बात, मैंने तुमको पर्सनली कॉल कर लिया ढोल बजाने की दलील दो। हाँ दो मिनट सुनो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे वाली वालदा जब मरेंगे ना, तो मेरे नंबर पे कॉल करना, लोगों को इत्तला करने के लिए मैं ढोल बजाऊंगा वहाँ पर आकर के, लोगों को इत्तला, तूने बोला ना इत्तला करने के लिए, लोगों को बताने के लिए ढोल बजाना है, तो मैं बताने के लिए ढोल बजाऊंगा। तेरे अब्बा की मौत पर आऊंगा और लोगों को जाकर के बताऊंगा मिट्टी में चलना है, मैं ढोल बजाऊंगा। वही तो बोल रहा, इतना बड़ा खबीस है तू, कुरान की अबे खबीस की औलाद, शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, तो किसी जिंदा का मातम या किसी जिंदा का ढोल बजा करके ऐलानिया किस साहबी ने किया, किस अहले बैत ने किया? वही तो तुझसे पूछ रहा हूँ, वही तो तुझसे पूछ रहा हूँ, हरामी की औलाद। मुझे इसकी दलील दे दे, तो दे तो दी दलील, तू पढ़ने नहीं दे रहा मुझको, तेरे को दलील दे दू मैंने, देखो उसको मैंने इतनी दलील दी है, ये भाग रहा है देखो। अरे मैं सिर्फ एक दलील मांग रहा हूँ, मोतबर किताब का एक दलील दे दे कि ढोल बजाना जाएगा, एक दलील तो भाई दलील दो, एक दलील, दलील बता रहे थे तू अगर इतना ही तो एक दलील दे, इसके लिए डेट मेरे पास थी। हाँ मैंने, अबे गधे के बच्चे, तुझे पूरा बाप भेज दिया, तुझे पूरी किताब भेज दी सुनन निसाई की, तुझे पूरी हदीस भेज दी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपना रोजा रख के ईद मनाया, खुद रोजा रखा और फरमाया कि या रसूलल्लाह आज पीर के दिन आप रोजा क्यों रखते हैं, क्योंकि इस दिन में पैदा हुआ था, इस दिन में पैदा हुआ था। अब तुझे सारी दलील दे दी तुझे कि हुजूर ने खुद अपना मिलाद मनाया है, खुद मिलाद मनाया, उसके बाद सहाबा ने इस अमल को पकड़ा, इस अमल को सहाबा ने पकड़ा। अरे तू मुझे देना दलील, देना इसको, मैंने सारी, मैं कह रहा हूँ तू एक हदीस दे दे, रावजी कुत्ते, रावजी हरामी, एक दलील दे दे, अहले बैत को बदनाम करने वाले, अहले बैत को बदनाम करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो जायज बाप के बच्चे होते हैं ना, सुन, वो नजायज काम कभी करते नहीं जल्दी से, और जो नजायज माँ की, नजायज बाप की औलाद होते हैं ना, वो नजायज काम करते भी है, करवाते भी है। तेरी जबान समझने वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ एक दलील है ढोल बजाने की, अहले बैत को बदनाम करने वाले, ठीक है ना, अहले बैत की शान में गुस्ताखी की थी किसी हरामी ने, तो आला हजरत का कलम चला था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, चाहिए के बच्चे, तुम लोग खुद हुजूर के अहले बैत को इतना बदनाम कर रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो कि शरीयत को कहां से कहां ले जा रहे हो। अरे जाहिल तू रख, ठीक है ना, रामसी कुत्ते, मैं तुझसे एक दलील मांग रहा हूँ, एक दलील देना ढोल बजाने की। इसके पास दलील नहीं है, ये हरामी का बच्चा अपने पीर का किशवाड़ा चाट करके मुरीद बना हुआ है, ऐसे हरामी पीर का मुरीद है ये, कि उसके पीर को खुद शरीयत नहीं मालूम है। तेरे पीर को मालूम, माशाल्लाह मेरे पीर ने तो वजाहत कर दी, मसला की आला हजरत जिंदाबाद, एक एक चीज की वजाहत कर दी, एक एक चीज की वजाहत कर दी, ये कौन सा मतलब, ये तू मुझे दलील दे ढोल बजाने की,
ये नहीं है, ये कहाँ से? रामजी कुत्ते, रामजी कुत्ते, रामजी कुत्ते, ढोल बजाने की दलील दे। ये तुम कहाँ से लिया? रामजी कुत्ते, ये तुमने मौलाई कहाँ से लिया है? मौलाई तुम कहाँ से लिया है? ये मौलाई फिरका तुम कहाँ से पैदा कर लिए? अगर ये मौलाई फिरका तुम कहाँ से पैदा कर, तुम उससे दलील से बात कर ले, मैं साबित करूंगा कि मैं मौलाई हूँ और तू रामजी है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि शरीफ माँ के जो बेटे होते हैं ना, जो दलील दे, दलील दलील दे, अहले बैत को बदनाम करने वाले, दलील दे, औरतों को नंगा घुमाने वाले, ताजिए के साथ ढोल ताशा बजवाने वाले, औरतों को नंगा घुमाने वाले, गली में गली गली कुचे कुचे लेकर के घूमने वाले, दलील दे। पर्दे को बिना दुपट्टे बिना पर्दे के घुमाने वाले, दलील दे, ठीक है ना? दलील दे, दलील, अपनी माँ बहनों को बिना पर्दे के ढोल ताशे के साथ घुमाने वाले, दलील दे। और तेरी बिल्कुल दलील दे, घूम रही है क्या? दलील दे, दलील, घूम रही थी मिलादुन नबी पे, ठीक है ना? मेरी माँ बहन बाहर नहीं निकलती मिलादुन नबी पे, मेरी माँ बहन नहीं निकलती, नहीं निकलती, नहीं निकलती। हम अपनी माँ बहनों को दरगाह नहीं ले जाते, मजार पे नहीं ले जाते, ना कब्रिस्तान ले जाते, कहीं नहीं ले जाते। तू अभी बता रहता है पहले बता, दिल्ली, हाँ सुन 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 सुन, तो मैं भी भेज देता हूँ कि तेरे बाप दादाओं ने बैंड बाजों से शादी की, जाहिलों का अमल हमारे ऊपर थोप दो। मैंने तेरे को दोनों चीज की वजाहत कर दी, दोनों चीज की वजाहत कर दी कि मिलादुन नबी में कोई बुरा काम करेगा तो वो नाजायज हराम है। मिलादुन नबी में कोई नाजायज काम करेगा हराम है, हराम जायज नहीं हो सकता। शादी में कोई नाजायज काम करेगा हराम है। तू ढोल और ताशे के साथ ताजिया लेके घूमने वाले यजीदी, यजीदियों ने ढोल बजाया था इमाम हुसैन की शहादत पे, ढोल बजाने वाले यजीदी, ढोल बजाने वाले यजीदी, यजीदी की औलाद, इमाम हुसैन की शहादत पे यजीदियों ने ढोल बजाया था, यजीदियों ने नगाड़े बजाए थे, साले यजीदी। अरे जमशेद भाई, ये समझने वाला नहीं है। क्यों इसे? मैंने कहा ना, रामजी की किसी माँ ने हलाली बच्चा पैदा नहीं किया आज तक, जो मुझे एक दलील से बात कर ले। तब वो कैसे सनानी के पास, इस यजीद के, यजीद के मानने वालों ने ढोल पीट पीट करके ये साबित कर दिया कि करबला के मैदान में यजीदियों ने ढोल बजाया था, तो ये यजीद के मानने वालों ने साबित कर दिया ये साले यजीदी है, हरामी यजीदी है, सब के सब। चले अब ये तेरी रिकॉर्डिंग तेरे नंबर के साथ यूट्यूब पे डाल देता हूँ, सुन सुन, तेरी रिकॉर्डिंग तेरे नंबर के साथ यूट्यूब पे डाल देता हूँ, हाँ यूट्यूब पे डाल देता हूँ, चल ठीक है, हाँ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, रख, तेरे बस की बात नहीं, रख। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सामिन इकराम, जैसा आप लोगों को पता है कि इस बच्ची का जो इलाज है मुसलसल 5-6 महीनों से चल रहा है। ये बच्ची 12 पारों की हाफिज़ा है, आलिमा बनना चाहती है और यतीम है। इस बच्ची के ऑपरेशन में 18-19 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जो आप लोगों ने ताउन दिया, जो बीच में हमने डोनेशन बंद कर दिया था, और ये सोच के कि इस बच्ची का ऑपरेशन हो गया, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन इसका दोबारा से डोनेशन चालू किया गया क्योंकि इस बच्ची को ट्यूमर के साथ साथ कैंसर की गांठें भी पाई गई, जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है जो 6 महीने तक चलनी है। 6 महीने तक मुसलसल कीमोथेरेपी चल रही है और एक कीमोथेरेपी की जो कीमत है वो 27,680 रुपये है, और महीने में 2 कीमोथेरेपी होनी है, 3 साल तक इसकी मुसलसल मेडिसिन चलनी है, और हम लोगों को मिलजुल कर इसका ट्रीटमेंट कराना है, इलाज कराना है। जिस भाई को जानकारी पूरी चाहिए वो मुझे इसी नंबर पे, जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, कॉल कर सकते हैं। तो अभी इस बच्ची की पोजीशन ये है कि कीमोथेरेपी की वजह से इस बच्ची के बाल वाल सब झड़ गए हैं और मुसलसल इलाज चल रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को स्कैनर दिया जा रहा है, जो जायज़ कमाई हो मेरे सुन्नी भाई आगे आएं और इस बच्ची को ताउन करें। अभी इस बच्ची की जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो आपके सामने है, जिसके बाल वाल सब झड़ गए हैं। तो अभी कितना इलाज हो में ख़र्चा होगा, क्या होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप लोग डोनेशन करो। रकम जैसे ही पूरी हो जाएगी डोनेशन बंद कर दिया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है, अपनी मेहनत की कमाई से, अपना सदका ज़कात सब कुछ आप दे सकते हैं इस बच्ची के लिए, और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।